हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सीएफ निकालते कैसे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि सीएफ और पीआई दोनों कब निकालना पड़ता है, और सिर्फ सीएफ कब निकालना पड़ता है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे देखो, ये अपना किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक इक्वल टू जीरो होगा तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर आपको इक्वल टू को दोनों तरफ कोई फंक्शन दिया होगा एक्स और वाई का, तो उस केस हम क्या निकालेंगे, उसका पीआई भी निकालेंगे। मतलब सीएफ रहेगा और पीआई भी रहेगा। अब इस क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया आपको, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सी एफ निकालेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इसका सेफ कैसे निकालते अपन। ओके, गिवन। देखो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। देखो उसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, सॉरी डेल अपॉन में डेल एक्स क्या होता है, अपना डी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टू डी स्क्वायर हो जाएगा ये अपना। यहाँ बताओ क्या लिखेंगे इसको अपन लोग, फाइव हो जाएगा ये प्लस फाइव। देखो यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, तो यहाँ पे डी आएगा और डी डैश भी आएगा। देखो यहाँ का पावर क्या वन है, इसका देखो पावर क्या वन है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी और ये डी डैश, फिर प्लस लिखो यहाँ पे। यहाँ बताओ क्या आएगा अपना, टू आएगा। फिर देखो यहाँ पे वाई का स्क्वायर दिया कि नहीं, तो यहाँ देखो क्या आएगा अपना, डी डैश का स्क्वायर कर दो। इसको ऐसा क्लोज करो। तो यहाँ पे लिखो जेड, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में, किसको डिफ्रेंशिएट कर अपन डी, सॉरी जेड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स और वाई, या फिर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन सीधो, ठीक है, ये अपना क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो इट्स ए ई, आप ए ई शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि ए ई का मतलब ही होता है क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। ओके, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसको तो हम क्या लिखेंगे, डी की जगह पे अपन लिखेंगे एम, और डी डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, वन। तो देखो अपने क्या हो जाएगा, ये टू एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हाँ, और तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर टू एम कॉमन निकाल लो, दिस इज एम प्लस टू प्लस वन एम प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया अपना यहाँ पे। तो इम्प्लाइज एम प्लस टू, टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज क्या बता दो, एम इक्वल्स टू माइनस टू, और देखो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस वन अपॉन में टू, ये अपना आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकाल लेंगे। तो सी एफ इक्वल्स टू बताओ क्या होगा अपना, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स होता है। तो यहाँ देखो क्या आएगा अपना, माइनस टू एक्स होगा। ठीक है, फिर प्लस एफ टू कर दो यहाँ पे, वाई माइनस देखो यहाँ पे कितना दिया है, हाफ दिया है, तो ये अपना हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो ये अपना क्या होगा, सी एफ हो गया। ओके, मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ सी एफ ही निकलेगा। पी आई कब निकलेगा, जब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया रहेगा। ठीक है, हैंस यहाँ पे लिखो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देखो क्या होगा यहाँ पे, जेड इक्वल्स टू सी एफ के बराबर होगा, एंड दैट इक्वल्स टू एफ वन वाई माइनस टू एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस हाफ एक्स, और ये अपने क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।